डेढ़ गज नहीं, 2 गज जैसे दिल चाहे ऐसा बना। और पूरा सूट कितने का फिर पड़ा? पूरा सूट आपको पड़ेगा 45 देंगे ये कमीशन। 12,000 का बताया आपने और ये दूसरा सेम रेट है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग? आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपने प्यारों के साथ बहुत खुश होंगे। आज मैं अपने अच्छा पहले मुझे ना बहुत अजीब लगता था कहीं जा आई हूँ। ये कराची का एक बहुत फेमस मॉल है, यहाँ पे फैंसी लॉन लिनन आपको जो भी स्टफ चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी मिलेगी। और यहाँ पे हर क्लास से लोग आते हैं। यहाँ पे चिकन की जो शर्ट्स हैं यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और ये 1500 से लेके 2000 तक की रेंज में आपको अच्छी शर्ट मिल जाती है। यहाँ पे ये स्ट्रॉलर्स थे जो सिल्क में थे, मुझे अच्छा लगे अपनी बेटी के लिए, और ये 500 से लेके 800-1000 तक के थे। और कपड़ों के साथ साथ यहाँ पे सेंटर में स्टॉल्स लगे हुए हैं जो ज्वेलरी के हैं। इनके पास बहुत फंकी इयररिंग्स आपको मिल जाते हैं टीनेज गर्ल्स के लिए अगर, और इनके पास फैंसी भी हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं। मैंने फंकी यहाँ से अपनी बेटी के लिए लिए थे। मुझे हेयर कैचर्स की बहुत वैरायटी नज़र आई, और यहाँ से मैंने छोटे और बड़े कैचर्स लिए। उसके अलावा चूड़ियाँ फैंसी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, और अंगूठियाँ बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं अगर आप मैच करना चाहें। इट्स ऑल अप टू योर चॉइस। हमने यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और यहाँ पे इन इयररिंग्स की और इन रिंग्स की ऑलमोस्ट प्राइस जो थी वो 250 से लेके 500 तक की थी, मैक्सिमम यही रेंज थी। और चूड़ियाँ जो थी और ब्रेसलेट्स थे देवर ऑलमोस्ट फॉर 800 रुपीज़, कोई 800 का था, कोई 1000 का था। ये फैंसी कपड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर आपको ब्लाउज़ बनाने हैं, साड़ी बनानी है, लहंगा बनाना है, आप यहाँ से खुला कपड़ा ले सकते हैं, और कपड़ा लेने के बाद अपनी चॉइस से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से अभी तो नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरे भाई की शादी थी तो मैंने यहाँ से कपड़ा लेके अपने कपड़े खुद डिज़ाइन किए थे, एंड ट्रस्ट मी किसी डिज़ाइनर से कम नहीं लगते। यहाँ पे बहुत वैरायटी आपको कपड़े की मिलेगी, और इनकी प्राइस जो थी वो ऑलमोस्ट 5000 से लेके 4000 और उससे ऊपर की थी। इसके अलावा लॉन के यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट्स मिलेंगे, बहुत वैरायटी मिलेगी, और हर दूसरी तीसरी शॉप पे आपको लिनन और लॉन के इस तरह से थान मिल जाते हैं। साथ ही इनके साथ साथ लेसेस की भी शॉप्स हैं जो कि कपड़े लेने के बाद लोग यहीं से मैच कर लेते हैं, और इनकी प्राइसेस थोड़ी सी मुझे बाकी जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा लगी लेसेस की, लेकिन वैरायटी नो डाउट थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये शॉप हमें थोड़ी अच्छी लगी गर्मियों के कपड़ों के लिए, तो यहाँ से हमने कुछ कपड़े लिए। सूट मैं दिखा रही हूँ ये आपको, ये 4500 का था, और 45 कोई शॉप वाला ये 4500 में दे रहा था और कोई 5000 में दे रहा था। ये देखने में इसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन आपको नज़र आएगा जब अभी ये शर्ट खुलेगी तो मुझे इसलिए ये अच्छी नहीं लगी बिकॉज़ इसके नीचे प्रॉपर स्लिप मुझे बनवानी पड़ती और मैं इतनी मोटी स्लिप नहीं पहन सकती। तो अगर आप पहन सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सब अरेबिक लॉन थी, और ये 1600 और 1800, कोई शॉप पे ये 1600 में 2 पीस दे रहे थे और कोई जो है वो 1800 में 2 पीस दे रहे थे। ये आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे बार्गिन भी लोग करते हैं और अब आपके ऊपर है कि आप कितना बार्गिन कर सकते हैं। ये लॉन के कपड़े थे, लॉन के कपड़े में आपको बहुत प्रिंट्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे मैंने 3-4 सूट लिए थे जो मुझे प्रिंट्स अच्छे लग रहे थे अपनी बेटी के लिए कॉर्ड सेट्स बनाने के लिए, और यहाँ पे आपको वही सूट जो है वो 1600 में 1700 में दे रहे हैं 2 पीस, और उसके बाद आप उसको अपनी मर्ज़ी से स्टिच करा सकते हैं। सिल्क की यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलेगी, ये सब सिल्क है, सिल्क में प्रिंट्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। ये 2500 की शर्ट थी। ये एक शॉप हमें नज़र आई जिनके पास वही सूट जो हमने पीछे देखे थे वही अवेलेबल थे, और ये सूट वो डाई करके वाइट में भी इनके पास अवेलेबल थे। आप इनको जो भी कलर बोलें वो ये आपको डाई करके 1 से 2 घंटे में दे देते हैं। और ये भाई मुझे दिखा रहे थे कि ये देखें, एक बाजी के लिए हमने मेहरून डाई किया है। सो अगर आपका मूड हो लेने का तो ये आपको डाई भी 1-1.5 घंटे में करके दे देते हैं, जो भी आपने कलर लेना हो। गर्मियों के चिकन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी है और बहुत खूबसूरत कपड़े हैं।
उसके बाद हमने एक शॉप से ये शर्ट्स देखी, थ्री पीस सूट भी इनके पास अवेलेबल थे और सिर्फ शर्ट्स भी अवेलेबल थी। ये मुझे इसलिए अच्छी लगी कि इनके ऊपर गोल्डन बहुत ज़्यादा उभरता हुआ नहीं था, बहुत दबता हुआ गोल्डन था जो बहुत बैलेंस कर रहा था और बहुत डिसेंट शर्ट्स लग रही थी। इनकी प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 2,500, 3,000, 5,000 डिपेंडिंग अपॉन के आप किस तरह का काम ले रहे हैं, कितना हैवी काम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली थी। और इनके पास ऑफ वाइट और गोल्ड में बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और ये इन्होंने एक सैम्पल लगाया हुआ था कि अगर आप इस तरह खुला कपड़ा लेके लहंगा भी डिज़ाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बहुत डिसेंट लग रहा था ये लहंगा, इसके साथ आप नीचे कैन लगवा के उसका और ज़्यादा फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। साड़ी के लिए सिल्क का कपड़े बहुत यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल थे। इनकी प्राइसेस मैं नहीं पूछ सकी बिकॉज मैंने लेनी नहीं थी, तो इसलिए आई डिड नॉट आस्क द प्राइस फॉर दैट। ये कितने का बताया टू पीस आपने? 1800 का टू पीस। कम करेंगे ना? नहीं 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 नहीं, डिस्काउंट देंगे आप हमें। उसके अलावा ये यहाँ पे सूट थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसमें मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगा था, मैंने वो लिया अपनी बेटी के लिए। और ये भी उसी का एक शेड था पिंक कलर में। और ये भाई इतना बहस कर रहे थे, ये इन्होंने 2200 से शुरू किया था इसको और लेकिन 2200 से हमें इन्होंने 1600 में ये टू पीस सी दिया और हमने इसमें येलो वाले सूट लिए थे। उसके अलावा मुझे ये पिंक फूलों वाला वाइट बेस के साथ बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये भी एक लिया और ये भी 1600 में ही था टू पीस। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी और इनका जो वे ऑफ डीलिंग था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं ज़रूर इनकी शॉप का नंबर भी शेयर करूँगी अगर आप लोग यहाँ जाएँ तो। इनके पास सिल्क में भी अवेलेबल है, मैचिंग भी है इनके पास, लॉन अरेबिक लॉन सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे सेंटर में बीच बीच में शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ से आपको कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह भी मिल जाता है और थोड़ा बहुत स्नैक्स भी इन्होंने रखे हुए हैं ताकि अगर आपको शॉपिंग करते हुए भूख लगे तो आप वो भी ले सकें। मैचिंग सेंटर्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ से फिर हमने आके अपने दुपट्टे मैच किए, जो हमने टू पीस सूट लिए थे उसके साथ दुपट्टे मैच किए। दुपट्टों की प्राइसेस भी 700-800 रुपये थी यहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा के भी थे। अब इट्स अगेन अप टू यू कि आपको कैसा दुपट्टा चाहिए, शिफॉन चाहिए, सिल्क चाहिए, लॉन का चाहिए, जैसा भी चाहिए, इनके पास सब दुपट्टे अवेलेबल हैं। वहाँ पे हर शॉप में आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और बहुत अच्छे प्रिंट्स मिलेंगे। दो गज, डेढ़ गज नहीं, दो गज, जैसा दिल चाहे ऐसा बना। और पूरा सूट कितने का फिर पड़ा? पूरा सूट आपको पड़ेगा 45 देंगे ये कमीशन। और इसमें कलर कौन कौन से? इसमें एक ऑरेंज कलर, एक सी ग्रीन कलर। ये सबका 2200 या ये हम कर देंगे भाजी, आप पसंद करो लगा दो। इसमें येलो कलर है। कितने के दे रहे हो? सूट 1800 का होता है। सबके रेट्स अलग अलग क्यों हैं भैया? नहीं हम अभी लेके आए हैं, सब अलग बता रहे हैं। कोई 1600 बता रहा है, कोई 1800 बता रहा है। यही दो रेट चलते हैं ना, 1600 और 1800। यहाँ पे आपको अलग अलग रेट्स बताएंगे एक ही चीज़ के, लेकिन आपको बार्गेन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा के दुपट्टों की बहुत ज़्यादा रेंज थी, कलर्स भी बहुत फैसिनेटिंग थे और प्रिंट्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सर पे नहीं ठहरते और ना ये आप कहीं भी आप मतलब इनको साइड में भी लें तो ये नहीं टिकते, इसलिए ये अच्छे नहीं लगते। ये दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये 12,000 का दुपट्टा था और इसके साथ आप प्लेन सूट मैच कर सकते थे। अगर ये बार्गेन करते तो ये कम अज़ कम ये दुपट्टा मेरे ख्याल से ये 7-8, 8-9 हज़ार तक ये दुपट्टा ये दे दें, लेकिन क्योंकि अभी मुझे ऐसे चाहिए नहीं था, वैरायटी तो बहुत थी दुपट्टे, ये वाला भी यही है लेकिन मुझे लटका हुआ दुपट्टा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आए हुए 2-2.5 घंटे गुजर चुके थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जाते जाते एक शॉप हमें ये नज़र आई, इस पर ये प्रिंट हमें बहुत अच्छा लगा था। ये लॉन के सूट थे और 6,000 का ये सूट था। ऑलमोस्ट हमने जो चीज़ें हमें चाहिए थी हमने सब कुछ ले लिया था। और यहाँ पे सेंटर में इस तरह से स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ आके आपको हर चीज़ मिल सकती है, लॉन, लीलन, खद्दर, जो चीज़ आप फैंसी लहंगे का कपड़ा, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा, वट एवर यू से आपको यहाँ से आशाना मिलेगा। कोई समझ में आया? हाँ, प्यारा है,
बैठे, अच्छा बता दीजिए जरा रख के। हाँ लॉन, और दुपट्टा क्या है साथ इसके? दुपट्टा शिफ लॉन ही है। साढ़े पाँच हज़ार। नहीं, आई होप आपको आज की शॉपिंग मेरे साथ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।